नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सांसद और विधायकों को सीएससी और पीएससी गोद लेने के आदेश के बाद सेवा संगठन के तहत पूर्व आईपीएस व राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने पीएससी को गोद ले लिया है। उन्होंने चिन्हट स्थित सीएससी को गोद लेकर इस पहल की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने सभी विधायक और सांसदों को सीएससी व पीएससी को गोद लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद राज्यसभा सांसद ब्रजलाल की ये अनूठी पहल सामने आई है, जिसमें उन्होंने चिन्हट के सीएससी को गोद ले लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद ब्रजलाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ब्रजलाल जी, आपकी जो ये पहल है, जिस तरह से आपने सीएससी को गोद लिया है, सबसे पहले तो मैं उसकी सराहना करना चाहती हूँ। और अब आगे क्या काम करने वाले हैं आप उस सीएससी को और बेहतर बनाने के लिए? ऐसा है, ये सीएससी को गोद लेकर जो हमारी सांसद निधि है उससे भी हम ध्यान देंगे। इसके अलावा वहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या चीज हम वहाँ सुधार कर सकते हैं, उसको शासन से मिल करके समन्वय करके, जैसे गोद लिए बच्चे के लिए किया जाता है, वैसे मैं उस सीएससी के लिए जो शासन से कोई चीज कराना होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको मैं कराऊंगा। मैंने इसको इसलिए गोद लिया क्योंकि हमारा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, एजीएम में हुआ, काफी भीड़ रहती है, तो बलरामपुर हॉस्पिटल है जी। तो चिन्हट जो है ये बिल्कुल उधर देहात क्षेत्र भी लगा है, शहर क्षेत्र भी लगा है, तो इसीलिए मैंने उचित समझा कि ईच सीएससी को गोद ले करके इसको एक आदर्श सीएससी बनाया जाए। बिल्कुल ब्रजलाल जी, देखिए आपने कहा कि सांसद निधि के तहत जो पैसे आते हैं उसके जरिए आप उसको लगाकर सीएससी की हालत और बेहतर करेंगे, इसमें सुधार लाएंगे, लेकिन कोरोना के समय से सांसद निधि भी बहाल नहीं हुई है, आप लोग को इसकी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको लेकर आप कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि सांसद निधि तो अभी तक बहाल की ही नहीं गई है। नहीं, वो शीघ्र आ जाएगा। अभी कुछ पैसा जो, जैसे हम लोग नए सांसद हैं जी, तो उनका जो कुछ पैसा था जो पिछले सांसद से खर्च नहीं किया है, तो ज्यादा तो नहीं आया है, कुछ अपना 5-7 लाख रुपया आया है जी। तो हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत। इसके अलावा जी, इसके अलावा मैंने इसके पहले जिला सिद्धार्थ नगर को, जो मैंने मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट है, मेरा गृह जनपद है, वहाँ मैंने ऑलरेडी पैसा आएगा वहाँ चला जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया मैंने वहाँ के जिला अस्पताल सिद्धार्थ नगर को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पहले से ही कमिट किया है, और जैसे वो हमारा 1 करोड़ आएगा वो वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो है 100 बेड का ऑक्सीजन प्लांट सिद्धार्थ नगर में लग जाएगा। 5 से 7 लाख लगातार सीएससी को लेकर पैसे दिए जाते हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जब हम हाल देखते हैं सीएससी और पीएससी का, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, तो वो बेहद ही खराब मिलता है। हालांकि चिन्हट का जिस सीएससी को आपने गोद लिया उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन जो रुपए उसके नाम पर आते हैं, फंड जो आता है, उसके बावजूद इस हालत को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, अभी तो मैंने आज गोद लिया है, जाऊंगा मिलूंगा वहाँ के डॉक्टर से मिलूंगा, और जब कोई जनप्रतिनिधि गोद लेता है, और मैं तो इस प्रदेश का पूर्व पुलिस महानिदेशक हूँ, तो ये केवल सांसद निधि तो खर्च होगा ही, लेकिन शासन से जो वहाँ चीज कराया जा सकता है वो मैं करा लूंगा। नहीं बिल्कुल, आप कराएंगे। जो चीज चाहिए जो मैं उचित समझूंगा, तो इसीलिए जब कोई जनप्रतिनिधि लेता है गोद, तो वो गोद लेता है तो उसकी हर चीज की देख रेख करता है, तो ये हमारा ये भी काम होगा। 5 से 7 लाख हर साल जिस सीएससी पर खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद गोद लेने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? गोद लेने की गोद इसलिए पड़ जाती है कि अगर कोई गोद ले ले तो उसको देखेगा, बड़े नजदीक से वहाँ का क्रियाकलाप को देखेगा, वार्ता करेगा, लगातार टच में रहेगा, तो जो कमियां है उसको वो आसानी से दूर कर सकता है, करवा सकता है, इसीलिए मैंने चिन्हट जो है स्वास्थ्य केंद्र है उसको मैंने गोद लिया। यानी कि जिन लोगों को अभी जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे, इसी वजह से आप लोग को ये तमाम हॉस्पिटल्स को गोद लेने के आदेश दिए गए हैं? नहीं, ऐसा कमेंट नहीं है, मैं करना चाहता हूँ, हमारे पार्टी का जो
सूत्र है सेवा ही संगठन है जी। तो ये सेवा ही संगठन है, बीजेपी के लोग इस कोरोना काल में अपने स्तर से संगठन के लोग कोरोना के जो मरीजों की सहायता कर रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, कोरोना का पहला फेज आया था उसमें एक्टिव थे, तो उसी सेवा ही संगठन है ये जो हमारी नीति है, इसी के तहत मैंने बिल्कुल। लेकिन ब्रिजलाल जी, जिस तरह की हम स्थिति देखते हैं और ग्राउंड लेवल पर उतर के जब हम सीएससी और पीएससी का हाल देखते हैं तो गोद लेने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आज जो मौजूदा हालात है वहां पर तमाम ज्यादा से ज्यादा सीएससी और पीएससी पर ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं है। आप ऐसा है जी, आप इस चीज को समझ नहीं रहे। समझना ये है, मैंने कहा आज तक तो गोद लिया नहीं गया जी, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि गोद ले रहे हैं, सब लोग लेंगे, और जब गोद लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी हो, हमारी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी हो कि हम वहाँ के क्रियाकलाप में सुधार करें। प्रदेश में इतने सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सब लोग गोद लेंगे, निगमों के अध्यक्ष हैं, और जब सब लोग गोद ले लेंगे प्रदेश के पीएससी को जो जारी है, तो ये निश्चित है उसमें सुधार आएगा, पक्का सुधार आएगा। यही तो ब्रिजलाल जी मैं कह रही हूँ कि जरूरत लेनी, जरूरत पड़ी है तभी गोद लिया जा रहा है, और आपकी तरह ऐसा और, है जी माफ करिएगा, आज इतनी सरकारें रही जी, चाहे बीएसपी को हो चाहे अखिलेश यादव जी बैठ करके जो एयर कंडीशन कमरे में रोज डेली ट्वीट करते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, टीका नहीं लगवाऊंगा बीजेपी टीका है, तो जितनी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो आज के समय में, चाहे खासकर अखिलेश यादव जी हो चाहे आपके हैं संजय सिंह जी, केवल एक काम सरकार की आलोचना करना ये करना, लेकिन बीजेपी के लोग सड़क पर निकल कर काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनको सहायता पहुंचा रहे हैं, और इनका काम है एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके केवल क्रिटिसाइज करना और जनता को गुमराह करना। बिल्कुल ब्रिजलाल जी, दिक्कत यही है कि सरकारें बदली हैं, तमाम नए विधायक नियुक्त किए जाते हैं और बार बार, लेकिन हालात जो है ग्रामीण क्षेत्रों के वो वैसे के वैसे हैं। ऐसा है, ये पहली पहल है भारतीय जनता पार्टी की, इसके पहले तो किसी ने पहल नहीं किया, ये योगी आदित्यनाथ जी के पहल पर हुआ है उत्तर प्रदेश में। हम अपने मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत कर रहे हैं, और ये अखिलेश जी आज मैं दोबारा कहता हूँ, इनके गुमराह करने से आज देहातों में तमाम लोग जो टीके लग रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि टीके मत लगवाओ, बाराबंकी में मैंने पढ़ा टीका लगाने गए लोग नदी में कूद कर भाग गए जी। तो ये केवल जो बैठे एयर कंडीशन चैम्बर में, एयर कंडीशन घर में बैठ करके सड़क पर नहीं निकलेंगे, केवल कमियां निकालेंगे जी, आप ये भी तो निकले, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप क्या हैं, उनका भी दिल्ली मुख्यमंत्री है, ये क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं जाते, ये क्यों गोद नहीं लेते, ये को नहीं सहायता करते। बिल्कुल, तो सत्ता में आप हैं, कर्तव्य आपका है, आप कर्तव्य निभा रहे हैं, इसकी मैं बिल्कुल सराहना करती हूँ। लेकिन एक और दिक्कत ये भी है आपके सामने सबसे बड़ी, कि जो डॉक्टर का चयन है वो किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग चाहते ही नहीं है, तो एक बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो जाती है। ये सरकार का काम है जी, सरकार जो समझती है वो करती है, और डॉक्टरों को भी जो नौकरी किए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा जी। और जब गोद लेंगे तो वो सुनिश्चित करेंगे जिसकी पोस्टिंग हुई है वो पीएससी सीएससी पर रहा है कि नहीं रहा है, ये भी हमारी जिम्मेदारी तय करेंगे जी। मैं आशा करती हूँ ब्रिजलाल जी कि आपने जिस तरह से गोद लिया है उसको बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए आप इनके तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के ऊपर विचार करें, और जो आपके तमाम विधायक है वो भी अगर जो गोद लेते हैं वो गोद लेकर भूल ना जाए, मैं यही आशा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्रिजलाल, पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद, जिन्होंने चिनहट के सीएससी को गोद ले लिया और इस पहल की शुरुआत कर दी है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश पारित किया था, जो सीएससी और पीएससी की हालत है वो कोरोना काल में साफ तौर पर उजागर होकर सामने आई कि किस तरह से सीएससी और पीएससी में ताले जड़े हुए, डॉक्टर्स का अभाव है। अब इन सब के बीच इन्होंने हालांकि बोला है
जो सांसद निधि पास होती है उसके तहत हम कार्य करेंगे, लेकिन सांसद निधि भी कोरोना काल में बहाल नहीं हुई है, तो उसका जो ब्याज मिल रहा है 5 से 7 लाख रुपए, अभी उसके तर्ज पर ये आगे की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के और कितने विधायक अब कौन कौन से सीएससी पीएससी को गोद लेने के लिए आगे आते हैं ये भी देखना अहम होगा, और इन विधायकों से ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि ये सीएससी और पीएससी गोद लेने के बाद कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।